सिद्धार्थनगर जिले की एसओजी सर्विलांस और बासी थाने की पुलिस ने मोबाइल टावरों से बैटरी चुराने वाले गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की 8 बैटरी, चोरी में इस्तेमाल होने वाली पिकअप और 20,000 नगद के साथ चोरी के उपकरण भी बरामद किए हैं। पकड़े गए दोनों अभियुक्त अब्दुल हाशिम और अब्दुल हक सिद्धार्थनगर जिले के निवासी हैं। बैटरी चोरों की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए सिद्धार्थनगर जिले के अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया कि पिछले कई दिनों से सिद्धार्थनगर जिले के मोबाइल टावरों से बैटरी चुराने की घटनाएं हो रही थी। इन घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए पुलिस और एसओजी की टीमों को इसके अनावरण के लिए लगाया गया। इसी क्रम में आज सुबह बासी कोतवाली क्षेत्र के काजी रुधोली नहर पर स्थित पुल के पास से दो संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके पास से चोरी की 8 बैटरी, 1 पिकअप, 20,000 नगद और 2 एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए दोनों अभियुक्त अब्दुल हाशिम सिद्धार्थनगर जिले के खेसरा थाना क्षेत्र का जबकि अब्दुल हक डुमरियागंज थाना क्षेत्र के परसा इमाद का निवासी है। अपर पुलिस ने बताया कि बैटरी चोरी की इन घटनाओं में इनके साथ और भी लोग शामिल होते थे। वह दिन में रेकी कर रात में बैटरी चुराते थे। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चोरी की घटनाओं में 3 लोगों की और संलिप्तता प्रकाश में आई है, जिन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इनके विरुद्ध समुचित धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा। जनपद के थाना बांसी मोहाना व पथरा बाजार में मोबाइल टावर्स के जो मोबाइल के टावर लगाए गए हैं उसमें बैटरी चोरी की घटनाएं घटित हुई थी, जिसके संबंध में संबंधित थानों पर मुकदमा लिखा गया था। क्योंकि प्रकरण कम्युनिकेशन से जुड़ा था, अतः पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसकी महत्ता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया, जिसमें जनपदीय एसओजी सर्विलांस तथा थाना बासी के कर्मी सम्मिलित किए गए थे। उक्त टीम द्वारा वैज्ञानिक तरीके से काम करते हुए आज काजी रुदौली पुल के पास से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके कब्जे से 8 मोबाइल चोरी की गई बैटरी, 1 बोलेरो पिकअप जिसके से ये चोरी किया करते थे, 20,000 रुपये नकद जो बैटरी बेच करके इनके पास थे, चोरी करने के उपकरण जैसे कटर, प्लास, रेंच और 2 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। इसमें एक व्यक्ति चोरी करता था और दूसरा व्यक्ति अब्दुल हक पुत्र सोहराओ ये कबाड़ी था जो इनसे बैटरी खरीदता था और इसके बाद दिल्ली की व्यापारी को बेचता था। घटना में 3 अन्य लोगों के संलिप्त होने की बात भी अभी तक प्रकाश में आई है, जिस पर और गहराई से विवेचना की जा रही है और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। प्रकरण में गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी तथा इनका गैंग भी पंजीकृत कराया जाएगा। सर, कोई आपराधिक इतिहास? विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।